जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना रकुलप्रीत गई किसी और केस के लिए इंफॉर्मेशन को किसी और केस की देकर आ रही है जी हाँ रकुलप्रीत रिया के कनेक्शन से पहुंची तो एनसीबी में और एनसीबी में जांच में उन्होंने योगदान दिया उन्होंने 2019 की पार्टी के बारे में बड़ा खुलासा किया है अब 2019 से कौन सी पार्टी वही पार्टी जिसका जिक्र मनजिंदर सिंह सिरसा जी उन्नीस से ही कर रहे हैं जो वायरल हुई करण जौहर के घर की पार्टी रकुलप्रीत और उसका क्या संबंध है बताऊंगी इस वीडियो में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए बेल आइकन भी दबा दीजिए मैं हूं आपके होस्ट और दोस्त सरिता रकुलप्रीत ने एनसीबी के सामने क्षितिज के बारे में बताया और चार बड़े बॉलीवुड स्टार्स के बारे में बताया उन्होंने बताया क्षितिज जो है दो की पार्टी में उसने ड्रग्स अप्लाई किया था तो हम जानते हैं और वो कई बड़े सेलिब्रिटीज को ड्रग सप्लाई करता था उनमें से चार बड़े सेलिब्रिटीज़ का नाम भी रकुलप्रीत ने लिया है ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है कि रकुलप्रीत के इंट्रोगेशन के दौरान क्षितिज का नाम आया और उन्होंने कहा कि चार बड़े सेलिब्रिटीज़ ये हैं जिनको क्षितिज जो है सप्लाई करता है ड्रग अब ऐसे में ये बहुत हैरानी वाली बात है कि रकुल रिया और सारा ये एक अलग गैंग था और ये दूसरा गैंग था जो बॉलीवुड का और एलेटेस्ट सीनियर गैंग था जो करण जौहर के घर था तो क्या पेडलर्स के थ्रू इनका भी संपर्क था पेडलर के नेक्सेस आपस में जुड़े हुए थे क्या कुछ पेडलर्स कॉमन थे क्या इनको जानकारियाँ मिला करती थी क्या रकुलप्रीत के बयान के बाद और भी कुछ नया खुलेगा एक एक शख्स जब बयान के लिए जाएगा तो कुछ न कुछ नई जानकारी देकर आएगा और केस आगे पहुंचेगा आपको बता दूं रकुलप्रीत रिया के चैट्स के वजह से आ, आ, पूछताछ के लिए गई है जहाँ पर रिया की दोस्ती उनके घर पर रिया का ड्रग रखा था और ड्रग चैट उन्होंने की थी मगर पूछताछ के दौरान हो सकता है कोई ना कोई व्हाट्सएप लिंक व्हाट्सएप चैट कुछ न कुछ मिला हो जिसके जरिए एनसीबी ने पूछताछ की हो और क्षितिज और चार बॉलीवुड स्टार्स और 2019 की उस पार्टी के बारे में रकुल ने बड़ा खुलासा किया बॉस ढक्कन खुला है तो सब कुछ दिखेगा जब बंद था तब तक ही बंद था अब खुल गया है बहुत सारे नाम सामने आएंगे आप बने रहे मेरे साथ लगातार खबरों का सिलसिला जारी है